नमस्कार पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराय। भारत में लोकसभा चुनाव का विगुल बज चुका है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट की चुनाव में खासी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने युवा नेता और राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को टिकट देकर चुनाव को दिलचस्प कर दिया है। इस सीट से विक्रमादित्य के चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही उनकी मां और पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कर दिया था। आपको बता दें कि मंडी लोकसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प है। ये सीट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में आती जाती रहती है, पर मंडी में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार यहां से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुके हैं। आइए कांग्रेस और बीजेपी के लिए मंडी सीट क्यों खास है जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। शिमला विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे विक्रमादित्य सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र में नए नहीं हैं, क्योंकि उनके पिता और मां दोनों ने इस सीट पर 3-3 बार जीत दर्ज की है। विक्रमादित्य ने साल 2021 के लोकसभा उपचुनाव में अपनी मां प्रतिभा सिंह के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। मंडी में अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा से पहले कांग्रेस नेता बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना के साथ जुबानी जंग में उलझ गए। कंगना ने उन्हें छोटा पप्पू कहा था। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को कहा था कि कंगना विवादों की रानी है और समय समय पर दिए गए उनके बयानों पर सवाल उठते रहेंगे। साथ ही गौमांस खाने पर कंगना की कथित टिप्पणियों का जिक्र करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें बुद्धि दे और आशा करता हूं कि वे देवभूमि हिमाचल से शुद्ध होकर बॉलीवुड वापस जाएंगी। वे चुनाव नहीं जीत पाएंगी क्योंकि वह हिमाचल के लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती है। इसके साथ बीते गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि ये तुम्हारे बाप दादा की रियासत नहीं है कि तुम मुझे डरा धमका के वापस भेजोगे। दिल्ली में एक बड़ा पप्पू है और हिमाचल में छोटा पप्पू कहता है कि वह गोमांस खाती है। कंगना ने पूछा कि वह उसके गोमांस खाने का सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अभिनेत्री ने आगे कहा कि मैंने अपने माता पिता की मदद के बिना फिल्म उद्योग में अपना नाम बनाया है। मैं राजनीति में शामिल होना चाहती हूं और लोगों की सेवा करना चाहती हूं। राजनीति सेवा की अभिव्यक्ति है और राजा से लेकर राजा तक कोई भी भिखारी उस अभिव्यक्ति का हकदार है। तो आप इस जुबानी जंग से अंदाजा लगा सकते हो कि मंडी लोकसभा सीट पर टक्कर बराबर की होने वाली है। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी .com के साथ। नमस्कार।